जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन बिचरे हमारे धन। आज उत्तम शौच धर्म का दिन है। सुचेर भावा शौचा, पवित्रता का नाम शौच है। सुचिता माने पवित्रता। ये भगवान आत्मा क्रोध मान माया लोभ आदि कषायों से, मोह राग द्वेष आदि भावों से मैला हो रहा है और उनके अभाव से ये परम पवित्र बनता है। तो ये भगवान आत्मा तो स्वभाव से परम पवित्र ही है। उस पवित्र स्वभाव के का आश्रय लेने से, उसमें अपनापन करने से, उसका ध्यान धरने से पर्याय में जो पवित्रता प्रकट होती है उसे उत्तम शौच धर्म कहते हैं। आपकी पूजन की पंक्ति में एक पंक्ति आती है, धर्म बढ़ो संसार में, शौच धर्म के संदर्भ में, कि ये शौच धर्म लगभग सब धर्मों से बड़ा धर्म है। क्या बात करते हो? उत्तम क्षमा से, उत्तम मार्दव से, उत्तम आर्जव से, उनसे भी बड़ा है कि हाँ उनसे भी बड़ा है। क्यों? क्योंकि क्षमा तो क्रोध के अभाव को कहते हैं, मार्दव तो मान के अभाव को कहते हैं, आर्जव तो माया के अभाव को कहते हैं, और शौच अकेले लोभ के अभाव को नहीं, 25 कषायों के अभाव को शौच धर्म कहते हैं। क्यों, कैसे? एक कषाय जो 25 है ना, तो जब ये नष्ट होती हैं तो क्रोध मान माया सब नष्ट हो जाते हैं और अंत में लोभ बचता है। क्या वो 10वें गुणस्थान के अंत तक रहता है? उसके पहले 25 कषाएं खत्म हो जाती हैं। तो ये समझ लो कि लोभ खत्म हो गया तो 25 कषाएं खत्म हो गई। इसलिए लोभ कषाय का अभाव नहीं, लोभांत कषाय का अभाव। लोभांत माने क्या? लोभ है अंत में जिनके, तो क्रोध मान माया लोभ अंत में कौन है? है ना, लोभ है अंत में जिनके, ऐसी कषायों के अभाव का नाम शौच धर्म है। क्यों भाई साहब? क्या आत्मा को अपवित्र अकेला लोभ ही करता है, क्रोध नहीं करता? मान माया से आत्मा अपवित्र नहीं होता? यदि सब कषायों से अपवित्र होता है तो फिर सभी कषायों के अभाव से पवित्रता प्रकट होगी ना। और क्रोध मान और माया ही थोड़ी कषायें हैं, हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री भेद पुरुष भेद नपुंसक भेद, ये भी तो कषायें हैं ना। तो उन्होंने लिखा कि धर्म बढ़ो संसार में, इसको सबसे बड़ा धर्म घोषित किया है। तो उन्होंने वैसे ही नहीं लिख दिया है, एक और धर्म के बारे में ये बात आएगी, उत्तम आकिंचन्य धर्म के बारे में। जब उसकी चर्चा होगी तब बात करेंगे। वो 9वां धर्म है, अभी दिन बहुत बाकी है, 13 के दिन उसकी चर्चा होगी। और भाई साहब, ये सारी दुनिया, वैसे भी लोक में कहा जाता है ना, लोभ पाप का बाप बखाना, कि लोभ पाप का बाप है।
ऐसा कौन सा पाप इस जगत में है कि ये जीव लोभ के बस न करता हो। आचार्यों ने बहुत उदाहरण दिए शास्त्रों में कि लोभ के वशीभूत होकर लोगों ने कैसे कैसे पाप किए हैं, उनकी चर्चा हमारे शास्त्रों में है। तो ये लोभ क्या है और इसके त्याग में जो पवित्रता प्रकट होती है वो क्या है, उस पर हम जरा विचार करें। ये सारा जगत तो पैसे के लोभ को ही लोभ मानता है, और किसी व्यक्ति ने उदारता से खर्च कर दिया, चाहे वो अपने विषय भोगों में ही क्यों ना किया हो, तो हम उसे निर्लोभी घोषित कर देते हैं। माने निर्लोभी माने शौच धर्म का धनी। क्यों? बाजार में आप गए, आपके चाय पानी का खर्चा उसने उठा लिया, सिनेमा के टिकट उसने खरीद लिए, सबके सबको सिनेमा दिखा दिया, तो कहते बहुत निर्लोभी आदमी है, है ना? एक मिनट में हम सबके सर्टिफिकेट दे देते हैं, और यदि उसका भी खर्चा आपको उठाना पड़ा तो कहते बड़ा कंजूस है, है? आप धर्म के ही नाम पर चंदा मांगने गए अपनी संस्था के लिए, और आपने जो कल्पना की थी, आशा की थी, उससे ज्यादा उसने पैसा दे दिया, तो आप उसे निर्लोभी घोषित कर देते हैं, और उससे कम किया तो एक मिनट में लोभी घोषित कर देते हैं। भले ही उसने यश के लोभ में ही वो सबसे ज्यादा पैसे दिए हों, वो पूछता है किसने क्या लिखाए, किसने क्या लिखाए कि साहब अब हम क्या बताएं? नहीं नहीं बताओ, पांडली बताओ। और पांडली देख करके और उन सबसे ज्यादा ऊपर अपना नाम लिख देता, एक से एक रुपया बढ़ाकर। क्यों? तो उसने यश के लोभ में ही क्यों ना आपको ज्यादा पैसा लिखाए हों, लेकिन आप उसे निर्लोभी घोषित कर देते हैं। अरे भाई, लोभ अकेले पैसे का ही नहीं होता है, यश का, नाम का, काम का, रूप का। रूप के लोभियों को पैसा पानी की तरह बहाते हुए आपने कहीं भी देख सकते हैं, नाम के लोभियों को पैसा पानी की तरह बहाते हुए आप कहीं भी देख सकते हैं ना। इतिहास में उदाहरण हैं, पुराणों में कहानियां आती हैं। पवनज्जय अंजना के रूप पर ही तो लुभाए थे, राजा सैनिक चेलना के रूप पर ही तो लुभाए थे, और वो कौन सा अष्टम एडवर्ब था, कौन कौन था, है? और हमें क्यों जाए इतिहास में, हम तो रोजाना घटनाएं देखते हैं ना, अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी पर देखते हैं। क्यों? कि रूप के चक्कर में कैसी कैसी घटनाएं इस जगत में होती हैं। नाम के लोभी ऐसा कहते हुए आपको जगत में कहीं भी मिल जाएंगे। क्या रखा है, एक दिन तो सबको मरना ही है। यदि कुछ अच्छा दान दे के अपना नाम लिखा जाओगे तो तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा। क्यों? यानी अमर आत्मा को मरना है और नाम अमर हो जाएगा। आपको मालूम है, जब भरत चक्रवर्ती दिग्विजय करके अंत में एक शिला है जहाँ चक्रवर्ती लोग अपना नाम लिखते हैं कि हमने छखंड को जीत लिया, उस शिला पर नाम लिखने गए तो उन्हें इस बात का बहुत अभिमान था कि मैं पहला चक्रवर्ती हूं। क्या? अपने बाप से भी बड़ा बनने में गौरव आ रहा था, मैंने बाप चक्रवर्ती नहीं थे। क्यों? और मैं चक्रवर्ती हूं, पहला का मतलब क्या हुकुम जनी है?
लेकिन जब वहाँ देखा तो वो कोसों लंबी चौड़ी शिला चक्रवर्तियों के नामों से भरी पड़ी थी, उसमें एक इंच जगह भी खाली नहीं थी जहाँ वे अपना नाम लिख देते। तो उन्होंने एक चक्रवर्ती का नाम मिटाया क्या और उस पर अपना नाम लिख दिया। और उसी वक्त सोचने लगे कि इसके बाद कोई नया चक्रवर्ती आएगा तो मेरा नाम मिटाएगा और वो अपना नाम लिख देगा। ये नाम मिटाकर लिखने की परंपरा हमारे युग के आदि से ही शुरू हो गई थी, है ना? एक पार्टी का राज आता है तो गांधी जी के फोटो स्टेच्यू सारे गांव गांव में लग जाते हैं, क्यों? गांधी चौक बन जाते हैं उन पर स्टेच्यू। दूसरी पार्टी का राज आते ही वो सारे स्टेच्यू हट करके वहाँ हैं, क्यों? वो सुभाष चौक बन जाता है, सुभाष बोस के स्टेच्यू लग जाते हैं। तीसरे का राज आता है तो अम्बेडकर साहब खड़े हो जाते हैं, और उनके हट जाते हैं। बनाने के चक्कर में कौन पड़े? बना बनाया बढ़िया बगीचा है, चौराहा है, क्यों? उसका नाम हटाकर अपना नाम लगाने में जैसे बढ़िया और क्या है? इसलिए कहते हैं कि पैसे का लोभ ही सब कुछ नहीं है। पैसे का लोभ तो मनुष्य गति की नई कमाई है। शास्त्रों में पैसे नाम का कोई लोभ है नहीं। शास्त्रों में ये लिखा है कि मनुष्य गति में मान की प्रधानता होती है, नरक गति में क्रोध की प्रधानता होती है, त्रेंच गति में माया की प्रधानता होती है, और देव गति में लोभ की प्रधानता होती है। और देव गति में क्या डॉलर चलता है कि रुपया कि पौंड? वहाँ कोई कौन सा सिक्का चलता है बोलो? वहाँ रुपये का प्रचलन ही नहीं है। यदि रुपये पैसे का लोभ ही सब कुछ होता तो उस हिसाब से देव गति में तो लोभ होना ही नहीं चाहिए, नरक गति में भी नहीं होना चाहिए, त्रंट गति में भी नहीं होना चाहिए। एक गाय भैंसे हैं ना, इनके सामने घास डाल दो तो उस पर टूट पड़ेंगी, और तुम 10,000 का नोट डाल दो क्यों तो सूंघेंगी भी नहीं। कि ऐसा क्या है इस नोट में कि दुनिया इस पर लुभाए? ना रूप ना रंग ना ये देखने में कोई बहुत अच्छा है, कुछ नहीं है। अरे इससे 5 इंद्रियों के विषयों की भोग सामग्री मिलती है, ये उसकी प्राप्ति का साधन है, इसलिए हम इस पर इसका लोभ करते हैं। कारण है ना, 5 इंद्रियों के विषयों की प्राप्ति का साधन है, यदि वो नहीं हो तो इसे कोई नहीं पूछे। पहले 1,000 रुपये का नोट चलता था ना, अब भी चलने लग गया ना दोबारा, बीच में बंद हो गया था। अब बंद हो जाने के बाद उसकी क्या कीमत है? कागज का टुकड़ा है। इसलिए कहते हैं भाई कि असली लोभ तो 5 इंद्रियों के विषयों का है, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है, और हमारा सारा ध्यान पैसे के लोभ पर ही केंद्रित हो गया है। लोभ के कितने कितने रूप हैं, ये लोभ है क्या? आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हिंदी के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, शायद मैंने थोड़ी चर्चा इनकी की थी, इंटर पास थे और एमए वालों को पढ़ाते थे, स्वयं तो पीएचडी नहीं थे क्यों, लेकिन उन पर कई पीएचडी हो गई। उनने मनोविज्ञानों पर बहुत अच्छे लेख लिखे हैं, तो उनमें एक लोभ नाम का लेख भी लिखा है। उनने लिखा कि जब ये लोभ
वस्तु के प्रति होता है तो लोभ लालच तृष्णा कहा जाता है, और जब वो ये व्यक्ति के प्रति होता है तो इसे हम प्रेम कहने लगते हैं। यानी प्रेम भी लोभ का ही एक भेद है, समझे ना। अपने बेटे के प्रति, माँ बाप के प्रति, पत्नी के प्रति, है ना, तो उसे हम प्रेम कहने लगते हैं। अब प्रेम तो पवित्र चीज हो गई आजकल, प्रेम की तो हमेशा जीत होती है, कोई भी सिनेमा जाके देख लो। और प्रेम में अभी बहुत प्रेम है। मान लो परिस्थिति के प्रति प्रेम, हम उसको गालियां देते हों, वेश्या के प्रति प्रेम, उसे हम गालियां देते हों, क्यों, लेकिन घर वालों के प्रति, बाल बच्चों के प्रति, हैं, पत्नी के प्रति, इसको इतना बुरा नहीं मानते हैं, थोड़ा बुरा भी मानते होंगे पत्नी के प्रति, लेकिन माँ के प्रति, अरे उसको तो हमने बहुत बढ़िया बढ़िया नाम दिए हैं, वात्सल्य, फिर उससे भी बढ़िया धर्म के प्रति, धर्मायतन के प्रति, सम्मेद शिखर के प्रति, क्यों, वो धर्म बन जाता है। वो कहते हैं भाई साहब, जिसे तुम धर्म प्रेम कह रहे वो लोभ का ही एक रूप है। बोलो, इसको आप लोभ, लोभ कसाय है, एक कसाय है, जिसे आपने इतने परम परम पवित्र नाम दिए हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि यदि ये कसाय नहीं है और त्यागने योग्य नहीं है, तो हमारे मुनिराज ये सब को छोड़ के क्यों जाते हैं? वो पत्नी को छोड़ के जाते हैं, अम्मा जी को छोड़ के क्यों जाते हैं, है? माँ बाप बाल बच्चों को एक साथ छोड़ते हैं कि नहीं? यानी उनकी दृष्टि में इन सबके प्रति जो राग है वो एक सा ही त्यागने योग्य है। क्या आप राग क्यों कहते हो? लोभ कहो ना, प्रेम कहो ना, फिर प्रेम ये बात चल ले। हमने इतने बढ़िया बढ़िया नाम रखे हैं कि वो धर्म सा लगता नहीं, हमें धर्म ही लगने लगता है, हम उसकी साधना और उपासना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वसुधैव कुटुम्बकम, सारी दुनिया से प्रेम कहो, प्रेम से रहो, प्रेम से रहो, बोलते कि नहीं बोलते, बोलिए। तो आप कह सकते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं, कि हम प्रेम से नहीं रहें? यदि आप ऐसा समझ रहे हैं तो सही समझ रहे हैं। देखो, अपन ने कहा था ना, ये 25 कसायों में 12 कसायें द्वेष रूप हैं और 13 कसायें राग रूप हैं, याद है? 4 प्रकार की माया, 4 प्रकार का लोभ, हास और रति, और 3 प्रकार के भेद, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद, ये 13 कसायें राग रूप हैं। तो चारों प्रकार का लोभ राग रूप है ना, तो राग धर्म है कि अधर्म? बोलो, विचार करो गंभीरता से। अपना धर्म तो बीतरागी धर्म है ना। अरे हमारे बाप दादों के तो रोम रोम में ये समाया हुआ था, रोकड़ बही लिखते थे तो सबसे पहले उसके ऊपर बीतरागाय नमा लिखते थे, शादी की चिट्ठी डालते थे तो सबसे ऊपर बीतरागाय नमा लिखते थे, अपने घर के दरवाजे पर होली के दिन यदि कुछ लिखते थे तो बीतरागाय नमा लिखते थे। यानी वो बीतरागता को धर्म घोषित करते थे, अपने बात बात में राग के काम में भी राग को नमस्कार नहीं करते थे, बीतरागता को नमस्कार करते थे। शादी तो राग का काम है ना, तो इसलिए वो कहते हैं कि ये 13 प्रकार की जो कसाएं हैं उनमें 4 प्रकार का लोभ आ गया ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो राग कसाय रूप है, क्योंकि 13 कसाएं हैं ना। अब राग कहने में से उतना हमको वो अटपटा नहीं लगता है, जब उसे कसाय कहो, क्यों, शुभ कसाय भाई साहब, अशुभ कसाय नहीं करें, शुभ कसाय तो करें,
तो कहें इसका साज भी शुभ होती है, तो हम पहली दफे सुन रहे हैं। राग को तो हमने शुभ सुना है, लेकिन कसाय भी शुभ होती है ये हमारे ध्यान में ही नहीं है। भाई लोभ भी एक कसाय है ना, और वो राग रूप है। लोभ को, त्याग को सबसे बड़ा धर्म घोषित करके राग के त्याग को वे सबसे बड़ा धर्म घोषित कर रहे हैं। इसे तो गंभीरता से लोभ का जितना विस्तार है इस जगत में, हमने उस विस्तार में हम कहाँ लेते हैं उसे। हम तो अकेले बस थोड़ा सा, मैंने बोला ना कि कुछ ज़्यादा ही गिरदता हो तो उसे लोभी कहते हैं, और उसने विषय कसाय में ही ज़्यादा खर्च कर दिया तो हम उसे निर्लोभी घोषित करने में नहीं चूकते हैं। और ये देखिए, ये जितने जितने ये पार्टियों पर नाम लिखाए हैं, क्यों एक यश के लोभ में नहीं लिखाए हैं, ये नाम के लोभ में नहीं लिखाए हैं, ये काय का प्रमाण है। क्यों कि भाई साहब हम आपका पूरा बनवा देंगे, मंदिर पूरा बनवा देंगे, आपको एक पैसा कहीं से नहीं लाना पड़ेगा, बस एक बात बताओ कि हमारा नाम कहाँ लिखाओगे, कि आप जहाँ कहो वहाँ लिखा दें। हम तो सर्वस्व समर्पण करने के लिए तैयार हैं उनको। जब तुम पूरे ही खर्चा उठाने को तैयार हो, तुम जो कहो हम वो कहें, तुम तो कहो तो भगवान के बगल में तुम्हारी भी एक मूर्ति रख जाए, यदि वो कहते तो हम रख देते। स्टेचू लगाने को तो तैयार हो ही जाते हैं ना। कैसा ये ठीक रहेगा, इस कोने में यहाँ लिखा देंगे, सब लोग सभा में बैठेंगे तो देखेंगे एक कोने में कौन दिखता है, तो आप बताओ कहाँ लिखा दें। बहुत यहाँ देखने चुनने के बाद फिर जगह चुनी, कहीं सीढ़ियों पर लिखा दो, क्योंकि हर आदमी चढ़ेगा मंदिर में तो सीढ़ी को तो देखेगा ही, अन्यथा गिर सकता है ना नीचे, ऊंचा पैर पड़ गया तो। क्यों तो मेरा नाम दिख ही जाएगा, बिना पड़े नहीं रहेगा, कि सेठ जी आपने सचमुच असली अच्छी जगह अपने योग्य जगह चुन ली। ऐसे लोभियों को का नाम ऐसी जगह ही लिखा जाना चाहिए कि प्रत्येक आदमी आए और रोजाना आपने जूते की एक ठोकर मारे उसको। इसके बिना आपका ये लोभ कम नहीं होगा। विचार करें हम गंभीरता से, ये नाम के लोभी हैं, हम उनको पूरा मंदिर बनाया भाई साहब, अब क्या बात करते हो, वे धर्मात्मा हैं, ये तो मेरे धर्म के साक्षात पिंड ही हैं। भगवान ने क्या किया, वे तो जाके वेदी पे बैठ गए, बस जो कुछ किया है वो किया तो उन नहीं है। क्यों तो इस तरह से इन लोभियों की ये दशा है, हम लोभ का वास्तविक स्वरूप भी नहीं समझते हैं कि असली लोभ है क्या, ख्याल में है ना। तन पर वस्त्र भी ना हो लेकिन पत्रिका में मेरा नाम कितने मोटे अक्षरों में छपा है, इसका ध्यान तो देवी रखते हैं। क्यों नीचे छपा, ऊपर छपा, कहाँ छपा, कितनी बड़ी पत्रिका फोटो है, फोटो कितना बड़ा है, दूसरों का कितना बड़ा है, मेरा कितना बड़ा है। अब बोलो कि यश के लोभी के सामने ये धन के लोभियों की क्या है, ये सारा जगत सब प्रकार के लोभियों से भरा पड़ा है। तो यश के लोभी, नाम के लोभी, रूप के लोभी, और यहाँ तक कि पंडित टोडरमल जी ने तो एक धर्म के लोभी शब्द का भी प्रयोग किया है। कहाँ किया है, वो आचार्य परमेष्ठी का स्वरूप लिख रहे ना, तो वहाँ लिखा धर्म के लोभी जीवों को धर्म भी सुनाते हैं, ऐसा लिखा आचार्य परमेष्ठी ने। और अमृतचंद्र तो उसके आगे बढ़ गए,
वे कहते गे के लोभी। हमें सारी दुनिया को जानना है, ये भी एक प्रकार का लोभ है। बोलो कितने प्रकार के लोभियों की चर्चा की है। एक सेठ जी थे, उनके यहाँ एक पंडित जी भी रहते थे। ये सच्ची घटना है। पंडित भागचंद जी का नाम तो सुना है, जिन्हें महावीर अष्टक स्तोत्र बनाया है, ये उनके जमाने की घटना है। वे इधर है ना गुना के पास ईसागढ़, वहाँ के रहने वाले थे। श्वेतांबर जैन थे, फिर दिगंबर बने थे। बहुत अच्छे उनके भजन आपने सुने होंगे ना, बहुत बढ़िया से बढ़िया भागचंद जी के। तो उनके पास उनके एक मित्र सेठ जी आए और वे उन सेठ जी को बार बार लोभी लोभी कहा करते थे कि तुम बहुत लोभी है, तुम बहुत लोभी है। तो उन्होंने आकर कहा कि पंडित जी, मैं पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव करना चाहता हूँ, मैं गजरथ चलाना चाहता हूँ, कि तुम जैसे लोभियों का काम नहीं है, हटो यहाँ से। ये तुम जैसे लोभियों का काम नहीं है कि साहब जरा आप आज्ञा देके तो देखो। कि अच्छा, ऐसी बात है कि हाँ। उस जमाने में 200-250 वर्ष पुराने, समझ लो आप, उस जमाने में उनने कहा 5,000 रुपये ला के यहाँ रखो। उस वक्त नोट नहीं चलते थे, नगद कलदार। तो उसने 1,000-1,000 की 5 थैलियाँ, जो एक थैली 10 किलो से ज़्यादा वजन की थी, लाके वहाँ रख दी कि ये रखी है, बोलो क्या करना है। आज की जो 5 लाख नहीं, 50 लाख की कीमत होती उनकी। अब बोले 5 मजदूरों को बुलाओ। तो 5 मजदूरों को बुलाया गया, और वहाँ से बेतवा नदी 4-5 किलोमीटर दूर ही थी। गांव का नाम भी बता सकता हूँ मैं, लेकिन क्या फ़ायदा। तो इनके माथे पर रखो इन्हें और चलो, ले चलो। कहाँ चलना है कि बेतवा नदी की जहाँ सबसे ज़्यादा गहरी धार हो वहाँ ले चलो। और वहाँ ले गए और जाके बोले कि इन 5ों थैलियों को इस गहरे गड्ढे में डाल दो और चलो फिर पंच कल्याणक करो। तो सेठ जी ने कहा डाल दो नौकरों से। और वे नौकर डालने लगे तो कहा रुक जाओ, क्यों? कि मेरा मतलब ये है कि इतना समझ लो कि इतने तो पानी में गए हैं, और अब तुम्हारी ताकत हो करने की तो बोलो। कहने का आशय ये है कि जो भी कल्पना तुमने की हो उससे इतने ज़्यादा खर्च होंगे, और अब तुम पहले से ही समझ लो कि हम और बाद में ज़्यादा हों, संकलेश परिणाम हों, उसमें मज़ा नहीं आएगा, ना तुम्हें ना हमें। आज की पोजीशन क्या है, सच्ची घटना। मेरे से बोले एक भाई कि पंडित जी, हमें पंच कल्याण कराना है, कितना खर्चा हो जाएगा? मैंने कहा किसी प्रतिष्ठाचार्य से पूछो। नहीं, आप तो प्रतिष्ठाचार्यों के भी गुरु हैं, आप बता दो ना। तो मैंने कहा उनसे पूछ लो ना। क्या? नहीं, आप बता दो। तो मैंने कहा आज के ज़माने में 50 लाख तो कम से कम समझ लो, 50 लाख से कम में तो होगा नहीं। तो नहीं, 10 लाख में हो जाएगा। वहीं बैठे थे दूसरे प्रतिष्ठाचारी जी। नहीं, 10 लाख में हो जाएगा। ये क्या बात करते हो? अभी ये फलाई जगह हुआ, वहाँ हुआ, खड़ोर तक पहुँच गया, तुम उसे क्यों बेचारे को धोखे में रखते हो? अरे आप समझते तो हो नहीं, आप तो समय सार पर प्रवचन करो, आपके बस की ये काम नहीं है। लेकिन हुआ क्या कि अकेले मैं बताऊँगा कि इसको तुम यदि 50 लाख बोलोगे तो महालोभिया है, ये करेगा ही नहीं। तुम 10 लाख बोलो, एक दफ़ा बेटे को फंसने तो दो, फिर तो हम देख लेंगे। बहुत हैं इसके पास, सब निकालेगा, हम सब निकाल लेंगे। मैंने कहा बेटा तुम तो उनकी जान भी निकाल लोगे,
लेकिन परिणामों का क्या होगा? बोलो बोलो, क्या करना चाहिए हुक्म चंद जी? एक दफे फंसा, अरे तुम धर्म के क्षेत्र में भी फंसाने की बात करते हो, तो तुम धीवर क्यों नहीं हुए मछली पकड़ने वाले? तो मछली को जाल डालते हैं ना फंसाने के लिए, ये धर्म के क्षेत्र में भी फंसने फंसाने का काम ये कहां से लाए? पंडित तो उनका नाम था जो भागचंद जी जैसे थे, कि वो बता रहे थे कि तुम इससे यदि तुम चाहते हो कि 5000 में हो जाए तो 5000 पहले पानी में फेंको और फिर करने की हिम्मत होए तो करो, जिससे कि परिणाम चढ़ते चढ़ते रहे उतरते नहीं। फिर उनने बहुत बढ़िया पंच कल्याणक किया। पहले एक ही व्यक्ति पंच कल्याणक करता था, ये सामाजिक पंच कल्याणक, तीर्थों के पंच कल्याणक ये अब होने लगे हैं, ये बोलियों वाले पंच कल्याणक अब होने लगे हैं। पहले एक ही व्यक्ति करता था, तब तो उन्हें संगई की पदवी दी जाती थी, अब तुम 1000 आदमी मिलके करोगे तो 1000 को दोगे संगई की पदवी, और 1000 को भी बांटने लग गए हैं, अब तो हमारे बाप का जाता क्या है, मुफ्त की है सबको देना क्या है, क्यों होने लग गया कि नहीं? पदवी कैसे दोगे बोलो? समाज की तरफ से करोगे, पंचायत की तरफ से, पंचायत को संगई की पदवी दोगे, किसको दोगे? मैं तो सिर्फ शौच धर्म का स्वरूप समझा रहा हूँ, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, मेरा उसमें कोई विरोध ऐसा कुछ है ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो आपको स्वरूप समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर उन्होंने बहुत बढ़िया पंच कल्याणक किया, सारे गांव को निमंत्रण दिया, खाना खिलाया सबको, सारे गांव का मतलब समझे सातों जात को। अब तो अभी तो हम साधर्मियों को नहीं खिला पाते हैं, उसमें हमारा पसीना छूटता है, फिर भी कहते खाना बचा रहा तो जंगल में झाड़ियों के नीचे डाला गया कि पशु पक्षी आकर के खा लेंगे। इतना बढ़िया पंच कल्याणक हुआ, सेठ जी खुश, पंडित जी खुश, बढ़िया सब खुश हुआ। सेठ जी बोले पंडित जी से, पंडित जी अब एक बार मुझे आप लोभी और कहो। क्या कहा? एक बार लोभी और कहो। आप मुझे हमेशा जिंदगी में लोभी लोभी कहते थे ना, अब एक बार लोभी और कहो। तो उनने कहा लोभी लोभी और महालोभी, ऐसे काम नहीं चलेगा कि तुमने कह दिया, सिद्ध करना पड़ेगा कि मैं कैसे लोभी हूं। तो उनने कहा कि पहले तुमने इस भव में इस धन को खूब भोगा, अब मरने का नंबर आ गया, तो अगले भव में भी भोगने को ये धन मिले इसके लिए तुम्हें ले जाने का ये रास्ता सूझा। ऐसा तो जाएगा नहीं जे मकान उठ गए। तो सुना था कि दान देंगे तो पुण्य बंधेगा, तो अगले भव में उदय में आएगा तो हमें मिल जाएगा, ये तुमने शास्त्रों में पढ़ा था, तो तुमने ये अगले भव का इंतजाम किया है, तो हम तुम्हें महालोभी नहीं कहें तो क्या कहें बोलो? आप सोच सकते हैं कि हमारे विद्वानों की लोभ की परिभाषा क्या थी, शास्त्रों में असली लोभ किसे कहते हैं? हैं, जब तक हम उस लोभ के असली स्वरूप को नहीं पहचानेंगे तो उसका हम त्याग कैसे करेंगे, समझे ना? उसका त्याग कैसे करेंगे? ये लोभ कसाय सबसे ज्यादा मजबूत कसाय है। जैसे कि कोई रंग में, होली के रंग में हमारा कपड़ा रंग गया हो, अब उसे हम अपने धोएं, साबुन से धोएं, और कोई पाउडर आजकल आने लगे हैं बहुत बहुत, कि वो कहते तुम दाग देखते ही रह जाओगे, उन सब में से उसे धोएं, पानी में धोते ही जो रंग निकल जाए वो सबसे ज़्यादा कच्चा होगा क्या नहीं? और फिर धोते धोते अंत में एक रंग ऐसा कि निकले ही नहीं,
क्योंकि सबसे अंत में निकले तो सबसे गाढ़ा रंग तो वही वही कहलाएगा ना। तो ये भगवान आत्मा को हमने बहुत धोया लेकिन अंत में ये लोभ रह गया। क्यों? सब धुल गए, क्रोध मान माया सब गए, हास्य रति रति शोक भय जुगुप्सा सब आठ में नौ में गुणस्थान में खत्म हो जाते हैं। और कौन से गुणस्थान के किस भाग में कौन सा कैसा खत्म होती है ये करुणानी योग वालों से पूछ लेना, वे बता देंगे। इतना मैं बता रहा हूँ कि सब नौवें में खत्म हो जाते हैं, दसवें में अकेला लोभ बहुत सूक्ष्म लोभ रहता है। तो सबसे ज्यादा मजबूत कैसा है कहलाई ना। कभी ये रंग छूट जाएगा तो समझ लो इस साबुन से सारे रंग छूट जाएंगे। क्यों? तो जिस धर्म से ये लोभ छूट जाए, ये राग छूट जाए, उससे सब कसाएं छूट जाएंगी। इसलिए इस धर्म को सबसे बड़ा धर्म कहा। देखो जरा विचार करो गंभीरता से, शौच धर्म है ना, तो इतने ये महान जो शौच धर्म, जो सबसे बड़ा शौच धर्म है, उसे हमने नहाने धोने तक सीमित कर दिया है। क्यों? बस नहाया धोया और हम पवित्र हो गए। एक बात सुन लो, दिन में तीन दफे नहाने वालों के शौच धर्म उतना उत्कृष्ट कोटि का नहीं होता जितना उत्कृष्ट कोटि का जीवन भर नहीं नहाने की प्रतिज्ञा लेने वाले मुनिराजों के होता है। यदि नहाने धोने का नाम शौच धर्म होता तो वे मुनिराजों को नहीं होता और गृहस्थों को होता है? तो क्या कहने फिर अब नहाए धोए भी नहीं कल से। अरे खूब नहाओ धो, हम मना नहीं कर रहे हैं, है ना। लेकिन ये बात समझ लो कि तुम ये समझ रहे हो कि हमने नहा धो लिया तो हम परम पवित्र हो गए। हमने ऐसी माताओं बहनों को देखा है कि सुबह से उठते हैं, भयंकर माघ का महीना हो, भयंकर सर्दी पड़ रही हो, 0 पॉइंट पर टेम्परेचर पहुंच गया हो, तो भी सुबह उठेंगी, खुद नहाएंगी, भैंस को नहाएंगी, बाल्टी को नहाएंगी, उसमें उसका दूध निकालेंगी, वो दूध पीती हैं। कितनी धर्मात्मा होंगी, कितनी परम पवित्र होंगी बोलो। और छू 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 और दूसरे दूर रह दूर रह, तू दूर रह तू दूर रह, सब अपवित्र हैं पर एक परम पवित्र वो ही हैं। तो क्या करें? अरे भाई तुम, डॉक्टर लोग भी कहते हैं कि इन्फेक्शन हो जाएगा, गंदगी से दूर रहो, सफाई से रहो। हम कम मना करते हैं, आप अच्छी तरह से सफाई से रखो, इसका कोई निषेध नहीं है। लेकिन वो धर्म है और वो शौच धर्म है, ये बात नहीं है। ये हम देह मैली सुगुण थैली शौच गुण लाधू हैं। देखा ना, ये देह तो मैली है भाई साहब, इस देह को नहाने से क्या होगा। लेकिन ये देह मैली है लेकिन सुगुण थैली, इसमें भगवान आत्मा है, उसमें अनंत गुण हैं, वो इसमें है ना। तो ये थैली है और भगवान आत्मा माल है जो इसके अंदर है, तो उसे धो ना। क्यों? यह देह मैली सुगुण थैली शौच गुण साधु लहें, लिखा क्या नहीं, वो नहीं नहाने वाले साधु शौच गुण को प्राप्त करते हैं और दिन में तीन दफे नहाने वाले उस शौच गुण को प्राप्त नहीं करते हैं। सम्यक दृष्टि होए भी तो थोड़ा बहुत प्राप्त करते हैं। तीन कसाय का, तीन प्रकार के लोभ के अभाव रूप जो शुच धर्म है वो मुनिराजों के ही होता है। देखो ये केवल ज्ञान है, हमको केवल ज्ञान चाहिए ना। तो वो राग जब तक पूरी तरह नष्ट नहीं हो जाएगा, ये लोभ लोभ है ना अंत में दसवें गुणस्थान में, तब तक केवल ज्ञान नहीं होगा, अनंत सुख नहीं होगा। आप जानते हैं एक समय पहले
ये जीव वीतरागी होता है, फिर उसके बाद एक समय बाद केवल ज्ञानी अतिंद्रिय आनंद का भोगता, असली सुख का भोगता होता है। आप जानते हैं, सुना कभी है? ये वीतराग पहले होना पड़ता है, बाद में सर्वज्ञ बनता है। बीत राग बनना पड़ता है, बीत शरीर नहीं बनना पड़ता है, बीत हड्डी नहीं बनना पड़ता है, बीत खून नहीं बनना पड़ता है। हड्डी खून मल मूत्र जो सारा है ना, ये जो है हड्डी और खून की उपस्थिति में केवल ज्ञान हो जाता है, और राग का लोभ अंतरंच मात्र भी रहे तो केवल ज्ञान नहीं होता। बोलो सबसे ज्यादा गंदा कौन है? लोभ गंदा है कि हड्डी खून मांस गंदा है? तेरहवें गुण स्थान में शरीर रहता है कि नहीं? हड्डी रहती है कि नहीं? उसमें खून रहता है कि नहीं? हड्डी और खून की उपस्थिति में केवल ज्ञान हो गया, अनंत सुख हो गया, है ना, अनंत वीर प्रकट हो गया। लेकिन राग की उपस्थिति में, लोभ की उपस्थिति में केवल ज्ञान और अनंत सुख की प्राप्ति नहीं होती है। सबसे ज्यादा अपवित्र कौन है? हम तो इस शरीर को धोने में लग रहे हैं। मैंने बहुत पहले लिखा था, यदि हड्डी अपवित्र है तो वह तेरी नाही, और खून भी असुचि है तो वह पुद्गल परछाही। तेरी सुचिता ज्ञान है और असुचिता राग, राग आग को त्याग कर निज को निज में पाग। ते अरे भाई, यदि हड्डी और शरीर अपवित्र है तो रहने दे, तेरा क्या लेना देना, ये तो अजीब है, पुद्गल है, और तू तो पुद्गल से भिन्न है। तेरा और इसके बीच में तो अत्यंता भाव है। अरे पड़ोसी नालायक है तो रहने दे, पड़ोसी का बेटा नालायक है तो रहने दे, अपना बेटा नहीं होना चाहिए, तू अपनी बात करना। यदि हड्डी अपवित्र है तो वह तेरी नाही, और खून भी असुचि है तो वो तो बहुत पवित्र। अरे भाई साहब, क्यों? तो हड्डी को हड्डी छूती है तो हड्डी को नहाना पड़ता है। अरे वाह, गजब हो गया। ये दांत है ना अपने, ये क्या है? हड्डी है ना। ये नाखून है, ये क्या है? हड्डी है। और इनसे खाना खाते हो तो हड्डी से ही चबाते हो, तो कोई अपवित्रता नहीं होती है, क्यों? अरे हम बिल्कुल साफ कर लेते हैं, कोलगेट के सुरक्षा चक्र से इसे परम पवित्र बना ले। मैं पूछता हूं, ये तुम्हारा अपवित्र मोह, असुचि, असुचि मोह, ये कितने दफे कुल्ला करो तो सुचि हो जाएगा? 100 दफे कुल्ला करो, किसी से भी करो, और फिर मुंह में पानी भरो और किसी के ऊपर बुलक दो, फिर देखना क्या होता है। तूने मेरा जूठा पानी मेरे पे डाला, कि जूठा कहाँ था, मैं तो 100 दफे कुल्ला किया था। ये तुम्हारा मुंह इतना पवित्र है, 100 दफे कुल्ला करने पे भी पवित्र नहीं होता है, जूठा ही रहता है ना। और इसे जिस पानी को पीकर कुल्ला करके तुम पवित्र करना चाहते हो, वो पानी जूठा हो जाता है, वो अपवित्र हो जाता है। कैसे आदमी हो? पारस तो उसे कहते हैं जो लोहे को छुए तो सोना बना दे, क्यों? जिसको सोना छुए वो लोहा बन जाए, उसे पारस कहेंगे। इस मोह को, इस हड्डी को कितना हम जब धोएं तो पवित्र होता है? नहीं होता है, ये तो पवित्र होता ही नहीं है। कितना ही साफ करें, मैं तो अपनी असुचि भावना में लिखा है, इस देह के संयोग में जो वास्तु पल भर आएगी,
वह भी मलिन मल मूत्रमय दुर्गंधमय हो जाएगी। सोचो, देह के संयोग में जो वस्तु आई, बहुत बढ़िया अठपहरा घी का है ना, और क्या वो क्या क्या हाथ चक्की के आटे का बढ़िया हलवा बनाओ, क्यों परम शुद्ध है, लेकिन उसे थोड़ा ऐसा मुंह में चुभाओ, निकालो, और निकाल के फिर किसी से कहो कि तू खा ले। उस परम शुद्ध हलवे की दुर्दशा तुम्हारे इस मुंह ने एक सेकंड के स्पर्श से उसको अभक्ष बना दिया कि नहीं, क्यों? अब वो अंदर चला गया और फिर वोमिटिंग हो गई, फिर उसे कोई देखना पसंद नहीं करता। सोचो, बोलो, एक दुर्दशा उस हलवा की कैसे हुई? तेरे शरीर के संयोग से, और वो हलवा 8-10 घंटे पेट में रह गया और फिर किसी रास्ते से निकला तो लोग उसका नाम लेना पसंद नहीं करते। बोलो, उस परम पवित्र हलवा की ये दुर्दशा किसने की? जिसे नहा नहा के तुम परम पवित्र होना चाहते हो। इस देह के संयोग में जो वस्तु पल भर आएगी, वह भी मलिन मल मूत्रमय दुर्गंधमय हो जाएगी। सब चीजें जो भी आएगी, पक्की बात है, नक्की। अगली पंक्ति पढ़ो बेटा। किंतु रह इस देह में निर्मल रहा जो आत्मा। ये आत्मा अनादिकाल से इस देह में फंसा हुआ है। एक देह बदलती है तो दूसरी देह, क्यों? एक कैदी को एक जेल में रहता है और एक दिल्ली की जेल से अहमदाबाद की जेल में ले गए तो जेल से निकल गया क्या? हम तो निकलते देखा था। अरे, वो तो कस्टडी में है ना, तब तक जेल में ही है। जेल बदलने से क्या होता है? ऐसी ये देह रूपी जेल हमने अनादिकाल से कितनी बार बदली, लेकिन एक क्षण को इससे हम छूटे नहीं। कालमान देह तो साथ में ही रही ना, 4 पुलिस वाले तो साथ में ही लगे रहे। अनंत काल से भगवान आत्मा इस गंदे शरीर में रह रहा है, लेकिन रंच मात्र भी गंदा नहीं हुआ। किंतु रहे, मतलब लोहे को सोना करता है जो वो पारस है, जो लोहे सोने को लोहा कर दे वो पारस थोड़ी है। असली पारस तो तुम हो। कैसे पारस हो? तुम पारस नहीं हो, सुपारस हो। एक क्वालिटी आगे हो तुम। क्या है क्वालिटी वो आगे? कि ऐसा पारस पत्थर दुनिया में नहीं देखा जो लोहे को सोना नहीं पारस बना दे। समझ गया ना? जो क्या करे, लोहे को पारस बना दे। लेकिन तुम, तुम्हारे बात को जो आत्मा मानते हैं, वे तुम जैसे भगवान हैं वैसे वे भगवान बन जाते हैं। तो क्या हुआ? तुमने उसको सोना नहीं बनाते, तुम उसको तुम भगवान बना। समझ गए ना? तो असली सुपारस तो तुम हो। समझ गया मैं? तो ये भगवान आत्मा ऐसा सुपारस है, उत्तम शौच होगा। ये बाहर की बातों से नहीं। मैंने कहा कि साहब नहाना तो पड़े। अरे, नहाओ ना, लेकिन हड्डी को छू जाने से हड्डियां ही तो नहाती हैं, क्यों? लेकिन नहाने से तो कोई आज तक पवित्र हुआ नहीं है। हमारे यहां तो मुनिराज भी ये नहाना धोना बंद करते हैं, और हमने उस नहाने धोने में धर्म मान रखा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कल से तुम नहाना धोना बंद कर देना। मुनिराज नहाए तो भी मुनि नहीं, और गृहस्त ना नहाए तो वो सदगृहस्त नहीं। समझ में आया ना?
अरे जो गंदगी नहीं फैलाते हैं उन्हें नहीं नहाने की जरूरत है, तुम गंदगी फैलाते हो तो नहाने की जरूरत है क्यों? लेकिन ये बाहर के नहाने से, बाहर की गंदगी से कुछ नहीं होगा। भगवान आत्मा की गंदगी तो मोह राग द्वेष के परिणाम है, ख्याल में आया ना? बे मोह राग द्वेष के परिणाम रुचि गंग जमन समुद्र नहावे और असुचि दोष स्वभावते। तो अपने भगवान आत्मा में उसका ज्ञान, उसमें लिखा ज्ञान ध्यान प्रभावते, ऊपर लिखा ना, रोजाना पूजा करते पंक्ति याद नहीं है? सुचि ज्ञान ध्यान प्रभावते, ये भगवान आत्मा के ज्ञान पूजन में लिखा है। भगवान आत्मा के ज्ञान से, भगवान आत्मा के ध्यान से, इससे पर्याय में पवित्रता प्रकट होती है, उसका नाम शौच धर्म है। तो फिर देह का क्या हुआ जिसको तुमने इतनी गालियां दी थी? तो हमने लिखा ना वो यदि हड्डी अपवित्र है तो वह तेरी नहीं। अरे वो अपवित्रता है तो रहने देना, उससे तेरा कोई लेना देना नहीं है ना। तू तो देह से भिन्न है ना भगवान आत्मा, क्यों? उसकी पवित्रता से आत्मा पवित्र नहीं होता और उसके अपवित्र होने से आत्मा अपवित्र नहीं होगा। सनत कुमार चक्रवर्ती की कहानी सुनी? कौन से चक्रवर्ती, कौन से थे? पांच में मालूम क्या है कि वो इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे कामदेव कि उनकी सुंदरता की प्रशंसा इंद्र की सभा में हुई। तो दो देवों को ऐसा विकल्प आया कि हम जाकर उस आदमी को देख के तो आए, तो वो गए। जब राज दरबार में गए तो उस वक्त जब वे पहुंचे तब वो सनत चक्रवर्ती नहा रहे थे अपने बाथरूम में। तो उनने छिप कर के, देवता थे ना, उन्हें उनको देखा नग्न अवस्था में कि भाई देखो जैसी प्रशंसा हो रही थी उससे भी ज्यादा बढ़कर हैं, बहुत अच्छे लगे उन दोनों को। फिर जब राजा सज धज के मुकुट मुकुट बांध कर अच्छे वस्त्र पहनकर राजसभा में बैठे और तब वे दोनों देव पहुंचे और उन्होंने उनकी रूप की प्रशंसा की उनसे, जब तो उनने कहा कि तुमने वहां क्या देखा मुझे, वहां तो मैं नंगा था नहा रहा था। अरे अब देखो मुझे, मैं सज धज के बैठा हूं, देखो तुम्हें देखना है तो। उनने कहा देखी। देखने के बाद वे बोले साहब वो बात नहीं है। क्या कह रहे? वो स्नान घर में जितने सुंदर तुम थे उतने सुंदर अब नहीं रहे। तो उनने कहा भाई क्या क्या बात करते हो, मैं तो उससे ज्यादा अच्छा लगना चाहिए कर दिया था, कुष्ठ रोग के कीटाणु घुस गए थे। अब आप कोढ़ की प्रकृति जानते हैं, ये 40-40 वर्ष पहले अपाय शरीर में जाता है और धीरे 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 बता। अब आत्मा तो अब छठवें सातवें गुणस्थान में है तो पवित्र ज्यादा हुआ ना, तीन प्रकार का लोभ चला गया, अनंतानुबंधी प्रत्याख्याना वर्ण अप्रत्याख्याना वर्ण, क्यों? और उस वक्त सामने की दृष्टि थे तो एक गया था, तीन प्रकार का लोभ था। तो भाई शरीर की पवित्रता से क्या लेना देना, ये आत्मा की पवित्रता होना चाहिए। तो तेरी शुचिता गहराई से अनुभूति करते हैं तो अप्रत्याख्याना वर्ण लोभ खत्म होता है। जब हर अंतर मुहूर्त में उस भगवान आत्मा का अनुभव करने लगते हैं तो प्रत्याख्याना वर्ण लोभ खत्म हो जाता है, और जब सदा के लिए आत्मा में समा जाते हैं तो संजलन लोभ खत्म हो जाता है और पूर्ण पवित्रता पर्याय में प्रकट हो जाती है। शरीर बना रहा, हड्डी खून मांस बना रहा और आत्मा परम पवित्र हो गया, है ना? इससे मालूम पड़ता है कि जब शरीर में था, शरीर ग्रस्त अवस्था में था, तब ये अपवित्र शरीर के कारण नहीं था, अपने राग द्वेष मोह के कारण था,
लोभ के कारण था। तो पवित्रता करनी है तो लोभ का हम त्याग करें, तो सबका त्याग, कसायों का त्याग होगा, मिथ्यात्व का त्याग होगा, तब यह आत्मा परम पवित्र प्रकट होगा। सभी लोग अपने आत्मा के आश्रय से शौच धर्म को प्राप्त कर अनंत सुखी हों, इस मंगल भावना के साथ मैं अभी की बात समाप्त करता हूँ।